पूरा हो चुका है। सूबे की कैप्टन सरकार के पंजाब प्रधान सुनील जाखड़ ने जीएसटी के एक साल पूरा होने पर लुधियाना व्यापारियों के साथ एक मीटिंग की और इसी दौरान जाखड़ मोदी सरकार पर जमकर बरसते हुए दिखाई दिए। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आज सरकार मानने पे मजबूर हो गई है कि जिस हालात में जीएसटी लगाई गई है उससे लोगों को सिवाय परेशानी के और कुछ नहीं मिला। लोगों के ऊपर आज एक व्यापारी साथी ने ये कहा, ये जीएसटी नहीं एक बीमारी है जो कि व्यापार को लग गई। आज सरकार मान रही है बड़े इस बात में, मैं समझता हूँ कि इतने अहंकार के उस ऊंची चोटी से आज नीचे उतर के अगर वो आए हैं, पर कम से कम क्या माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब भी ये स्वीकार करेंगे भी इसमें कुछ तरमीम की जरूरत है। ढोकले के अलावा बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आज जीएसटी का स्लैब फिक्स करने की सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है, पर कम से कम सरकार मान रही है। मेरा कहना है कि ये सारी त्रुटियां दूर करने की जो कीमत है वो व्यापारी क्यों चुकाए, सरकार को सोच समझ के इसे लागू करना चाहिए। जीएसटी नु लागू किते नु एक साल हो गया, अज असीं उसकी, क्योंकि हर व्यापारी बहुत दुखी है, सारे का कारोबार बंद हो गया है, छोटा व्यापारी तो बहुत ज़्यादा दुखी है। इस करके कैप्टन साहब ने जाखड़ साहब की ड्यूटी लगाई कि तुसीं पंजाब दे सारे घूम के व्यापारियों दी जिहड़ियां जीएसटी के मतलब कंप्लेंट्स हैगियां प्रॉब्लम्स हैगियां वो सुन के मैनू दस्या जाए और फिर उस सब कमेटी की मीटिंग बना के जीएसटी नू सरल उपाय जिन्हें कि असीं स्टेट वालों कर सकते हैं, जिहड़ा काम सेंटर दा सेंटर करेगी, जिहड़ा काम स्टेट दा है वो कैप्टन साहब और जाखड़ साहब मिलकर व्यापारियों राहत देने की कोशिश कर रहे हैं।